जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद अपनी स्थापना दिवस का कार्यक्रम कर रही है षष्ठी पूर्ति वर्ष के उपलक्ष्य में। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना के 60 वर्ष पूर्ण हुए हैं, जिसके उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद ने यह निर्णय लिया है कि पूरे देश में प्रांतशः पहले कार्यक्रम जो हमारे होते थे वो अब हम प्रखंडशः कार्यक्रम करेंगे। प्रत्येक प्रखंडों में विश्व हिंदू परिषद अपने स्थापना दिवस का मंचीय भव्य उत्सव मना रही है। उसी श्रृंखला का प्रारंभ हम सैनिक नगर से कर रहे हैं, जो कि गोरखपुर महानगर उत्तरी में आता है। ये कार्यक्रम 25 तारीख को सायंकाल 5 बजे से रखा गया है और इसके मुख्य वक्ता बजरंग दल के क्षेत्र संयोजक लखनऊ क्षेत्र के माननीय पूर्णेंद्र जी भाई साहब उपस्थित रहेंगे। वो एक प्रखर वक्ता हैं और स्वयं भी एक संघ के बाल स्वयं सेवक हैं। मुख्य और इसमें सर क्या क्या कार्यक्रम रखा गया है? कार्यक्रम जैसे विश्व हिंदू परिषद, जैसा कि आप जानते हैं कि एकमात्र ऐसा संगठन है जो हिंदुओं के हित के लिए पूरे विश्व में कार्य कर रही है। हमारा हिंदू कहीं भी प्रताड़ित होता है, कहीं भी शोषित होता है, हम उसके लिए लड़ते हैं और उसके लिए कार्य करते हैं। उसी का हम स्थापना दिवस मना रहे हैं। हम 60 वर्ष पूरे किए हैं, उसमें हम रखेंगे कि हमारे स्थापना का उद्देश्य क्या था और कितनी स्थापना के कार्यों की हमने पूर्ति कर ली है। आपने देखा होगा कि कल बजरंग दल ने बांग्लादेश के मामले में एक बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने किया था और रोड मैप हम लोगों ने लगाया था। ये पूरे देश में चल रहा है। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी हिंदू है उसकी रक्षा, सुरक्षा और उसके मान बिंदुओं की रक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद एकमात्र संस्था है जो कार्य कर रही है और हम करते हैं। इसके पहले और क्या क्या कार्यक्रम किया जा चुका है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा? विश्व हिंदू परिषद के द्वारा सबसे जो बड़े बड़े कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं, जैसे आपको मालूम होगा ये श्राइन बोर्ड वाला, श्राइन बोर्ड के जब वहाँ की 1,00,000 एकड़ जमीन हमारी ले ली गई थी, वापस ले ली गई थी सरकार द्वारा, उसको हम लोगों ने लड़के जो कि विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में ही हुआ, पुनः वापस मिला है हम लोगों को अमरनाथ श्राइन बोर्ड वाला। दूसरा जो सबसे बड़ा काम था वो था हमारा राम सेतु वाला। राम सेतु को राम जी को केवल एक मिथ्या बता के और राम सेतु का खंडन करने जा रही थी सरकार, उसको तोड़ने जा रही थी, उसको हम लोगों ने पुनः वापस किया है। सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा जो काम पिछले 400 सालों से हिंदू समाज लड़ता रहा है, राम मंदिर के निर्माण के लिए जो आपके समक्ष उपस्थित है। इस तरह के कार्य हम हमेशा करते रहते हैं। साल में 30,000 से 40,000 बहनों को हम घर वापसी कर रहे हैं। विधर्मियों के द्वारा जो कुछ भी समाज में विखंडन के कार्य होते रह रहे हैं उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और हिंदू समाज को नित्य प्रति जगाने की कोशिश।